आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए जो प्रदेश के नौजवानों के भरोसे खत्म करवाए, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, पता ही नहीं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो झोंकेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान की चर्चा सियासी गलियारों में खूब है। मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठा वाला बयान क्या दिया, मानो यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया। तरह तरह की बातें होने लगी, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। अब इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव सीएम के बयान पर सोशल मीडिया पर बड़ी बात कह देते हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को, कोई है पीछे? अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं इस बयान को बीजेपी में मची खींचतान की ओर मोड़ दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश का बयान योगी वर्सेस बीजेपी हाईकमान की तरफ है। अब जानिए सीएम योगी ने विधानसभा में ये बात क्यों कही थी। दरअसल लखनऊ के गोमती नगर अयोध्या की घटना पर बोल रहे थे, इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर बयान दिया और सपा को घेर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में ये बात कही थी। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं, मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, फिर और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है। अब अखिलेश यादव बीजेपी खींचतान पर बयान दे ही देते हैं, उनके निशाने पर सीएम योगी रहते हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।